हम जा रहे हैं श्रीनगर से गुलमर्ग। जैसे जैसे हम गुलमर्ग पहुंचते जा रहे हैं, यहाँ का नज़ारा देखकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें बर्फ़ दिखने लगा है, इससे हम बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम वहाँ पहुँचें और खूब इंजॉय करें। अगर आपने श्रीनगर की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। ये हमारा सेकेंड डे है और हम आ गए हैं गुलमर्ग में। और देखिए कितनी सुंदर ये वादियां हैं, कितनी अच्छी है, स्नो दिख रही, बर्फ की चादर देखिए आप। ओ जैसव से हाय। श्रीनगर से गुलमर्ग 75 किलोमीटर दूर है और अभी हम जा रहे हैं गंडोला राइड के लिए। यहाँ पर टिकट काउंटर अवेलेबल है गंडोला राइड्स के लिए, जहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं, आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। गुलमर्ग में आने के बाद में सबसे पहले काम करें, बस स्टैंड से आप पैदल पैदल आए और सबसे पहले अपना टिकट काउंटर से टिकट बुक कराएं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। हम ग्रुप में 6 मेंबर हैं, हम 6 लोगों ने 6 टिकट बुक करा दिए। हम फेस टू के लिए बाद में ऊपर जाके टिकट लगे, हमने फेस का टिकट ले लिया है। चलो चलते हैं फेस। देखिए लाइन लगी हुई है टिकट चेक करने के लिए। अगर आप यहाँ पर गुलमर्ग घूमने आते हैं तो गाइड की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं लगेगी। अब हम केबल कार से जाएंगे फेज वन में और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं। $950 का एक टिकट है और नीचे फेज वन का कितना है? वहाँ पे आपको 740 रुपए। ओके, तो रेडी टू नेक्स्ट फेज सेकंड। अब हम फेज टू के लिए जा रहे हैं जो कि मार्च अप्रैल में ओपन होता है। बाकी समय अगर हैवी स्नो होता है तो वो बंद कर दिया जाता है। फेज टू यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट होता है और वहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और यहाँ की खूबसूरती देखकर मुझे एक गाना याद आ गया, ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आ गए हम गुलमर्ग के हाईएस्ट पॉइंट पे और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप ये इनकी मस्ती चालू हो गई बर्फ के साथ में। यह नीला आसमान, यह सफेद बर्फ की चादर, लगे जैसे स्वर्ग, काश रुक जाए ये पल यहाँ, जैसे रुकी है बर्फ यहाँ। यहाँ से एलओसी बहुत ही नजदीक है। ये यहाँ पे हमारे सोल्जर्स ने इग्नू बना के रहने के लिए फॉर सिक्योरिटी रीजन कैंप बनाया हुआ है एट द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ आप देख सकते हैं टूरिस्ट एंजॉय करते हुए और जस्ट फुल्ली एंजॉय करते हुए। इट्स लाइक ड्रीम्स कम ट्रू, यू कैन नॉट सी दिस विदाउट द गॉगल्स। ये गुलमर्ग का हाईएस्ट पॉइंट है और पूरा कवर है स्नो से। ये बहुत ही वाइट और ब्राइट है, बिना गोगल के आप देख ही नहीं सकते। देखिए दोनों माँ बेटे मिलके स्नोमैन को डिजाइन दे रहे हैं बर्फ से, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा बना पाए। ये देखो स्नोमैन बन चुका है, कुछ इस तरीके से बना है, जसू ने बनाया इसे, ये देखिए। हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। यहाँ से जाते हुए मैं यहाँ की यादें अपने दिलो दिमाग में लेकर जा रही हूँ। यह मेरा ड्रीम था कि मैं कोई स्नो वाले प्लेस पर जाऊँ और कश्मीर आकर मेरा यह ड्रीम पूरा हुआ है। यह मेरी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आने के बाद जो स्नो दिखती है उसे देखकर बहुत ही खुशी होती है। यह फीलिंग मैं आपको बयां नहीं कर सकती। जब आप स्नो को छूते हैं, उसे फील करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने बचपन को भी जीते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। आई लव दिस प्लेस।